चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं। मोहन भागवत 2 दिन तक इंदौर में रहेंगे, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भागवत समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और आरएसएस के अनुष्ठांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक में मोहन भागवत जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों की समीक्षा करेंगे। मोहन भागवत संघ कार्यालय अर्चना में रुकेंगे, जिसके चलते कार्यालय में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता पीयूष पारे ने। मोहन भागवत के दौरे को लेकर इंदौर के अर्चना कार्यालय पर भी तैयारियां जोरों पर है। लंबे समय बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत मालवा के दौरे पर हैं, लिहाजा इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि अर्चना कार्यालय में ही मोहन भागवत इंदौर शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ यहां पर मुलाकात होगी, उनसे संवाद होगा और साथ ही कोरोना काल में जिन लोगों ने समाज सेवा के क्षेत्र में अलग काम कर दिखाया है, एक मिसाल पेश की है, उनके साथ भी यहाँ पर मोहन भागवत की मुलाकात होगी। इसके साथ ही जो युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों स्टार्टअप के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है, उनके साथ भी मोहन भागवत का संवाद होगा। लंबे समय बाद वे मालवा के दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये दौरा काफ़ी अहम है। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे संगठन का फीडबैक भी लेंगे और संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे और इस 2 दिनी दौरे के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर उनका प्रवास भी रहेगा, जहाँ पर प्रबुद्ध जनों से उनकी मुलाकात होगी और सत्ता और संगठन के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उन बिंदुओं पर भी कहीं ना कहीं इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।